नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वर्षा काल आने पर तमाम तरीके की वनस्पतियां, पेड़ पौधे और बेल उत्पन्न हो जाती हैं, जो मामूली से लेकर के और गंभीर बीमारियों तक को भी ठीक कर सकती हैं। दोस्तों, इनमें से एक औषधीय बेल जो है, जो वीडियो में देख रहे हैं ना, यह है कुंदरू। इस कुंदरू के बेल के द्वारा सभी प्रकार के नए और पुराने चर्म रोग ठीक किए जा सकते हैं। यह मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोग को ठीक करने की एक रामबाण दवा है। सिर दर्द, कान के रोग, मुंह के रोग, घुटनों का दर्द, संधिवात, गठिया, बुखार, घाव जैसी बीमारियों को यह चुटकियों में दूर कर देता है। तो चलिए दोस्तों, इसकी संपूर्ण जानकारी जानते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और वीडियो जरा से भी पसंद आए तो एक लाइक कर देना। दोस्तों, आप एक लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ जाता है और आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करने लगता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुंदरू की पहचान करा देता हूँ। यह वर्षा काल में उत्पन्न होने वाली एक बेल है, जो सड़कों के किनारे झाड़ियों पर अपने आप चढ़ती है, लिपट जाती है। इसकी दो प्रजातियाँ पाई जाती है, एक कड़वी और एक मीठी। दोस्तों, इस वीडियो में जो देख रहे हैं, यह कड़वी है, मीठी भी इसी प्रकार की दिखती है, वह सिर्फ खाने पर ही पता चलता है। दोस्तों, मीठी वाली जो कुंदरू होती है, मार्केट में बिकती भी है और उसकी सब्जी बना के भी खाते हैं। दोस्तों, ये जो कुंदरू है, इसको जंगली कुंदरू भी कहते हैं और कड़वी तो कहते हैं, और इसको यह देखने में बिल्कुल परवर की सब्जी जो होती है ना, उसी की तरह दिखती है। देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों इसको। दोस्तों, इस रंग पे सफ़ेद रंग के देखिए 5 दल वाले ये सफ़ेद रंग के फूल बनते हैं और इसके पत्ते देख लीजिए इस तरह से होते हैं। दोस्तों, जंगली जो कुंदरू होता है और एक जो मीठी जो कुंदरू होता है, दोनों के जो गुणधर्म होते हैं ना दोस्तों, लगभग समान ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, औषधि प्रयोग में कड़वे कुंदरू का ज़्यादा महत्व है। देख लीजिए, इस पर इस तरह के फल लगते हैं, जो जब वो कच्ची अवस्था में यह हरे होते हैं, तो जब पक जाते हैं तो बिल्कुल रेड हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। दोस्तों, इसके जो पके हुए फल होते हैं, वह थोड़े से खट्टे मीठे लगते हैं। और अगर कड़वा कुंदरू मिल जाए दोस्तों, तो नीम से भी ज़्यादा कड़वा होता है। दोस्तों, इसकी जो बेल होती है, बहुत अधिक क्षेत्र में फैल जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस कुंदरू के औषधि प्रयोग जान लेते हैं। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे संस्कृत में बिम्बी, रक्तफला, हिंदी में कंदूरी, बिम्बी, कुंडली, गुजराती में घोलाम, कन्नड़ में कोंडेवल्ली, गुजराती में घोलना, नेपाली में कुंदी, पंजाबी में घोल, कंदूरी और मलयालम में कवेल नाम से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इसका जो वनस्पतिक नाम है, वह है कोकनिया ग्रैंडिस। दोस्तों, आयुर्वेदिक मतानुसार यह कुंदरू कषाय, मधुर, स्वीत, लघु, कप पित्त शामक, रुचिकारक आदि गुण रखता है। यह दाह, ज्वार, श्वास, क्षय, रक्त पित्त, कमलाशोध, सिसूल, मधुमेह, अर्श आदि में लाभकारी है। इसके जो फूल होते हैं दोस्तों, वह पित्त शामक होते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं, वह सभी प्रकार के इन्फेक्शन है, संक्रमण को दूर करते हैं। अब चलिए दोस्तों, कुंदरू के औषधि फायदे जान लेते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि कोई व्यक्ति शुगर यानी कि डायबिटीज से परेशान है और तमाम तरीके का इलाज करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो पा रहा है, तो यह कुंदरू उनके लिए एक रामबाण औषधि है। यदि इसका ढंग से प्रयोग किया जाए तो डायबिटीज की बीमारी को जड़ से खत्म भी किया जा सकता है। इसके लिए कुंदरू के पके हुए फलों का रोज सेवन करना चाहिए। इसका एक फल रोज खाने से डायबिटीज बहुत ही जल्दी कंट्रोल में हो जाता है और धीरे धीरे खत्म भी होने लगती है। इस कड़वे कुंदरी की जड़ को पीस कर यदि सूजन वाले स्थान पर लगा दिया जाए तो सूजन उतर जाती है दोस्तों, और यह जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द, गठिया, बात और कलाइयों के दर्द आदि पर प्रयोग भी किया जाता है दोस्तों। और बड़ी ही बेहतरीन औषधि है, बड़ी ही बेहतरीन तरीके से काम भी करती है। दोस्तों, सभी प्रकार के चर्म रोगों को दूर करने के लिए, जैसे दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, कुष्ठ रोग, श्वेत रोग, तो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, इस कुंदरू के पत्ते को तेल में गर्म करें, आकर इसके पत्तों को ढेर सारा पत्ते लाएं और उसको तिल के तेल में उबालें, उसको पकाएं जब तक कि उसमें से मॉइस्चर निकल ना जाए।
इसके बाद क्या करें, उसको रख लें और उस तेल का मसाज करने से सभी प्रकार के चर्म रोग मिट जाते हैं। या फिर चाहें तो इसके ताज़ा पत्तियों का रस लगा करके लगा सकते हैं, या उसको सीधे लेप बना करके भी चर्म रोग पे लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और एक हफ्ते से 10 दिन में ही ऐसा करते हैं तो आपकी भयंकर से भयंकर चर्म रोग की बीमारी ठीक कर देता है। इसकी पत्तियों को घी में भूनकर अगर लगाते हैं, घाव पे लगाते हैं, तो घाव जल्दी भर जाते हैं। इसकी पत्तियों के रस को शरीर पर मालिश करने से बुखार ठीक हो जाता है। सांप और बिच्छू के काटे हुए स्थान पर अगर इसके फल को लगा दिया जाए, रस को लगा दिया जाए, तो जहर का असर भी कम होने लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो मीठा कुंदरू होता है उसका औषधि अगर आप उसका सब्जी बनाकर खाते हैं, काफ़ी सारे लाभ आपको मिलते हैं। तथा ये बहुत ही पौष्टिक होती है और पाचक होती है दोस्तों, जिससे आपके पाचन संबंधी बीमारों को भी ठीक करती है। मुंह में छाले हो जाने से मीठे कुंदरू को खाया करें तो मुँह के छाले को ठीक कर देता है। कुंदरू के पत्तों में के रस में तेल मिला करके सरसों का तेल मिला लें, और उसमें फिर उसको क्या करें, कान में टपकाने से कान का दर्द ठीक होता है और कान का बहना भी बंद हो जाता है। कुंदरू की अगर आप सब्जी खाते हैं मीठे कुंदरू की, तो आपका पित्त और कफ दोनों नियंत्रण में रहता है और त्वचा संबंधी बीमारियों को भी दूर करता है, खून को साफ करता है। दोस्तों, डायबिटीज वालों के लिए तो कुंदरू की सब्जी एक वरदान है। दोस्तों, नियमित कुंदरू की सब्जी खाने से डायबिटीज होती है, जो शुगर होती है, वो खत्म होने लगती है। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम एक नई औषधि के साथ मिलेंगे, नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हंसते रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।